नहीं दृष्टे अनुपपन्नम, ये न्याय था भाई। प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध है, उसमें अप्रामाण्य नहीं होता है, वो प्रामाणिक होता है। अनुपपन्न नहीं होता, मतलब प्रामाणिक होता है। इसलिए प्रलय होने के बाद आकाश बिना जगत का भी रह सकता है ना। प्रलय के बाद सबका प्रलय हो जाएगा, लेकिन आकाश तो रहेगा। क्यों शंका बन रही है कि सृष्टि से पहले सब ब्रह्म ही था, है कि नहीं, और प्रलय होने के बाद भी सब ब्रह्म ही होगा, इसके ऊपर उसने आक्षेप कर दिया। ये कैसे हो सकता है? तो आकाश तो पहले से भी है, आगे भी रहेगा, सबका प्रलय होने के बाद भी आकाश तो रहेगा। बिना जगत का, बिना कार्य का आकाश भी रह सकता है, ये तो प्रत्यक्ष है। उसके ऊपर कहा गया भी तुमको आकाश का कैसे ज्ञान होता है बताओ? बिना प्रकाश के, बिना अंधकार के आकाश का कहाँ ज्ञान होता? नहीं होता। बोले प्रत्यक्ष कहाँ प्रत्यक्ष होगा, कहाँ कौदृष्टम किंचते पक्ष न प्रत्यक्षम भेद खोलो। तुम्हारे सिद्धांत में, न्याय सिद्धांत में आकाश का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता। आकाश को अनुमान करते हैं, क्या करते हैं? अनुमान प्रमाण से होने वाला ज्ञान का विषय होता है आकाश। किसके अनुसार? न्याय सिद्धांत के अनुसार। शब्द है ना, शब्द शब्द गुण है, तो गुण किसी न किसी द्रव्य में आश्रित होगा। है ना, जैसे रूप, रूप अपने द्रव्य में आश्रित होता है। कहाँ पर आश्रित है? पृथ्वी जल तेज में रूप रहता है। गुण द्रव्य आश्रित होता है, इसी प्रकार शब्द भी गुण है, वो किसी न किसी द्रव्य में आश्रित होगा, किसी न किसी द्रव्य में आश्रित होगा। ऐसा सिद्ध करते हैं, वो पृथ्वी का धर्म नहीं, जल का नहीं, तेज का नहीं, वायु का नहीं, काल का नहीं, आत्मा का नहीं, मन का नहीं, तो कौन शेष रह गया? जो शेष रह गया उसका नाम क्या है? आकाश। ऐसा वो लोग कहते हैं, इसको बोले परिशेष अनुमान। क्या कहते हैं? परिशेष अनुमान। परिशेष अनुमान से आकाश को वो लोग सिद्ध करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को विषय नहीं है, ऐसा न्याय सिद्धांतों का कहना, न्याय सिद्धांतियों का कहना है। आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, और वेदांत के अनुसार साक्षी प्रत्यक्ष है, साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। साक्षी प्रत्यक्ष के लिए, मतलब साक्षी पता ना, साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सुख दुख, सुख दुख का भान के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सुख उत्पन्न होती है, झट से उसका प्रकाश हो जाता है। सुख उत्पन्न हुआ और उसका ज्ञान न हो, कभी होता है क्या? सुख होते ही उसका भान हो जाता है, दुख होते ही उसका भान हो जाता है। सुनने साक्षी बात से साक्षी प्रत्यक्ष। इसलिए इस आकाश का प्रत्यक्ष मानोगे तो अपसिद्धांत हो गया। क्या हो जाएगा? अपसिद्धांत हो जाएगा, विरुद्ध सिद्धांत हो जाएगा।
आगे बढ़े। अच्छा 44 नंबर श्लोक देखो, ननु दर्शनाभाव सद्वस्तुनोपि समान। देखो पूर्व पक्ष कह रहे है ना, इतना जो है ना बुद्धि में निश्चय नहीं हो पाता है सद्ब्रह्म का उसको निश्चय करना बड़ा कठिन होता है। सद्ब्रह्म ही है, सद्ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इसका निश्चय झटिति नहीं होता है, बहुत विचार करना पड़ता है। लेकिन ये मनन है, अभी क्या चल रहा है, मनन चल रहा है। ठीक है, श्रवण तो हो गया, सदैव समय एकदम अगर आसित एक द्वितीय लेकिन स्व आत्मा तत्व से तो श्रवण हो गया, फिर उसको निश्चय करना है वो जो ब्रह्म है अद्वितीय कैसे, ब्रह्म अद्वितीय कैसे है ये विचार है मनन। तो नानो दर्शनाभाव सद्वस्तु निपि समान, जैसे बिना जगत का आकाश का भान नहीं होता है, जगत के बिना आकाश का भान नहीं होता है जो कहते हो, ये दर्शन अभाव, दर्शन न होना, ज्ञान न होना, किसका, आकाश का भान नहीं हुआ बिना जगत का, ये तुम कह रहे हो, नया ही बोल रहा है वेदांत में से। इस प्रकार सद्वस्तु का भी कहाँ भान होता है बताओ, सद्वस्तु को किसने देखा, सद्ब्रह्म को कहाँ देखा आपने, है कि नहीं। तो ये शंका कर रहा है, इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके बोलते हैं सतः सर्व अनुभव सिद्धत्वा। अरे भी सद्ब्रह्म का भान तो सबको है, क्या है अस्तित्व का भान सबको होता है, मैं हूँ करके भान किसको नहीं बताओ सबको होता है, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी देवता सबको होता है, पागल को भी होता है, जो वेदांत ना पढ़े उसको ही भान होता है, अस्तित्व का भान सबको होता है। ये कह रहे देखो सतः सर्वा अनुभव सिद्धत्वा, सत कौन, ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब अस्तित्व का भान सबको होता है, अनुभव से सिद्ध है, इसलिए उसका भान नहीं होता है सद्वस्तु का, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। वो जिसको सत के रूप से कहा जाता है वो ब्रह्म है, इस प्रकार भान भले ही ना हो, वो सत को ब्रह्म के नाम से जानते हैं ऐसा भले भान ना हो, लेकिन सत वस्तु का भान तो सबको होता है। ठीक है ना, जिसका हम अनुभव करते हैं हाँ अस्मि के रूप से, अहम अस्मि, मैं हूँ हिंदी में, घटो अस्थि पटो अस्थि, अस्थि अस्थि का भान सबको होता है, इधर अस्मि अस्मि के रूप से भान सबको होता है, वो ब्रह्म है इस रूप से भले ना हो लेकिन अस्थि का भान तो सबको होता है, ये कहा है। ठीक है ना, इसलिए पहचान के लिए शास्त्र होता है, अस्तित्व का भान तो सबको होता है लेकिन ब्रह्म कौन है ये भान नहीं, अब पहचान करता है जो अस्थि अंश पे वो ब्रह्म है शास्त्र उसकी केवल पहचान कराता है। ठीक है, जैसे दृष्टांत देते हैं ना, पारसमणि को तो देख ही रहे हो, आपके घर में पारसमणि का पत्थर रखा है लेकिन पत्थर को देख भी रहे हो और सुने भी हो, एक पारसमणि का पत्थर होता है हैं, उसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना हो जाता है, ये भी आप सुने हो है कि नहीं। लेकिन ये पारसमणि का पत्थर है घर में जो रखा है, ये आपको भान, तो आपकी दरिद्रता जाएगी, सुवर्ण खरीदना पहनना हो तो खरीदना पड़ेगा, मार्केट से जाकर बनाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना, केवल इतना जानने से तो नहीं होगा, पारसमणि का एक पत्थर है, ये पारसमणि का पत्थर ये ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं। तो ज्ञान यदि नहीं है पारसमणि यही पारसमणि है तो उसका उपयोग नहीं होता है, किसका, पारसमणि, उस पारसमणि पत्थर से क्या करोगे बताओ, चढ़ने पीसोगे और क्या करोगे, सिलवट्टे में चढ़ने पीसोगे, धनिया के चढ़ने पीसोगे, है कि नहीं, अपनी दरिद्रता कभी भी दूर नहीं होती। इसी प्रकार से है ना, अस्मि अस्मि के रूप से भान सबको होता है लेकिन यही अपना वास्तविक स्वरूप है, शरीर आदि अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है ये भान नहीं होता, उसके लिए साथ भी कर सकता है, ये होता है।
ये बात तो कह रहे हैं सतह सर्वानुभव सिद्ध पर सदवस्तु का भान तो सबको होता है सर्व अनुभव सर्व ही अनुभव सर्व अनुभव अतः सर्वेशा अनुभव अनुभव से सिद्ध है किसे अनुभव से वो सिद्ध किसी प्रमाण से नहीं वो अनुभव से सिद्ध है क्योंकि उसका स्वरूप ही अनुभूति है किसका जो आत्मा जो है ना अस्थि अंश है उसका स्वरूप ही अनुभव अनुभव से सिद्ध कहा गया किसी प्रमाण से सिद्ध कि मैं हूँ कर आपको भान हो रहा है अस्तित्व का भान किससे हो रहा है अपने अनुभव से किसी प्रमाण की आवश्यकता ना चक्षु की ना मन की किसी की आवश्यकता नहीं होती इसलिए बोलते हैं सद्वस्तु शुद्धं तस्माभिः निश्चितैरनुभूयते तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वात् शून्या बुद्धेश्च वर्जना अच्छा देखो भाई अस्माभिर निश्चित ही हम तो निश्चिंत हमको निश्चय है हमको तो वहाँ विचार करने वाले को तो निश्चय है बोले अस्माभिर निश्चित ही सद्वस्तु शुद्धम अनुभूयते सद्वस्तु जो शुद्ध है उसका संबंध किसी के साथ नहीं उसका संबंध सद्वस्तु का संबंध किसी के साथ नहीं है ना अभ्यस्त पदार्थ आता है जाता है चित्र आते हैं जाते हैं पर्दा तो जैसा का ऐसा ही है ये पर्दे को देखने वाला जानता है बोले पर्दा ही पर्दा है उसका संबंध चित्र के साथ नहीं है कि नहीं इस प्रकार हमको भी ऐसा ही अनुभव है ये बोल रहे सद्वस्तु तो अधिष्ठान है उसमें सारा का सारा संसार क्या अध्यस्त है ठीक है ना अच्छा लेकिन सद्वस्तु ही है सद्वस्तु से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ये भान कैसे होता है किस अवस्था में होता है तूष्णीम चित्तौ देखो तूष्णीम चित्तौ इसमें मन स्तब्ध हो जाता है मन में आपकी किसी प्रकार की वृत्ति नहीं है ना उसमें आपका स्वरूप क्या है फिर भी आप हो कि नहीं फिर भी आप उस समय हो उसमें सत अंश ही है क्या है उसमें मनुष्य हो पति हो पत्नी हो माँ हो दादी माँ हो क्या हो उसमें बोलो गोरा हो काला हो मोटा हो क्या हो उसमें किसका भान होता है केवल सत अंश का भान होता है और किसी का भान वही है आत्मा का स्वरूप सत आत्मा का स्वरूप क्या है उसका भान होता है शंका क्यों बन रही है अरे भाई बिना विषय का बिना घटपटादि छोड़ करके घटपटादि को छोड़कर अस्थि का ही केवल भान होता है सत अंशा का ही केवल भान होता है ऐसा कैसे हो सकता है अरे उसमें होता है मन जिसमें स्तब्ध हो गया मन में कोई वृत्ति नहीं है तो किसका भान हो जाए सत स्वरूप का भान होता है वही आत्मा का स्वरूप सत्य इसलिए बोलते हैं तूष्णीम स्थित निश्चित ही अस्माभिर सद्वस्तु शुद्धम अनुभूयते अनुभव किया जाता है ठीक है ना भाई अब बोलते बोलते शून्य हो जाएगा अरे भी किसी का भान जब नहीं होगा घटपटा दी किसी का भान जब नहीं होगा तो क्या शून्य हो जाएगा ना शून्यत्वम शून्य नहीं कह सकते उसको शून्य बुद्धि से वर्जना है ना शून्य बुद्धि वहाँ पर नहीं होती है शून्य को शून्य की प्रतीति कैसे होगी जिसको प्रतीति होगी कि कुछ भी नहीं है ना घट नहीं है पट नहीं है कुछ भी नहीं है कि नहीं तो उसको जो जानने वाला वो भी शून्य है क्या है जिसमें वृत्ति किसी प्रकार की नहीं है वृत्ति का अभाव है ना उसको प्रकाशित करने वाला वो है कि नहीं
उसको जानने वाला कोई है कि नहीं? अरे मैं उतने समय तक रहा, कुछ नहीं जाना, कुछ मुझे मालूम नहीं पड़ा। ये बोलते हैं स्मरण हो रहा है कि नहीं? किसका अनुभव हुआ था? हाँ, वृत्ति के अभाव का अनुभव हुआ, अनुभव करने वाला था कि नहीं? वो भी शून्य है, वो अभाव नहीं है। वृत्ति के अभाव को प्रकाशित करने वाला वो अभाव स्वरूप नहीं है, वो शून्य नहीं है। तो उसको शून्य यदि मानोगे तो फिर उड़ने के बाद स्मरण किसका होगा? मैंने कुछ नहीं जाना, किसी प्रकार की वृत्ति नहीं होगी उससे, समाधि अवस्था में किसी प्रकार की वृत्ति नहीं होगी। तो मूर्छित अवस्था में कहो, निर्विकल समाधि अवस्था में कहो, लेकिन ये सही तो शून्य नहीं है। जो अनुभव करने वाले वृत्ति के अभाव को, स्तब्ध मन को अनुभव करने वाला, वो शून्य नहीं होता। इसी में वो पकड़े जाते हैं शून्यवादी लोग। सर्वम शून्यम शून्यम करते हो, कहते हो, उसको जानने वाला कैसे शून्य होगा? हैं, उसको जानने वाला ये शून्य कहोगे तो शून्य से शून्य की सिद्धि नहीं होगी। क्या समझा? शून्य से शून्य की सिद्धि नहीं, समझे कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं ना शून्यतम, अनुभव करने वाला शून्य नहीं होगा। शून्य बुद्धि से बोलते हैं, शून्य बुद्धि इसलिए नहीं हो सकती है ना। तो अनुभव करने वाला यदि ना हो तो शून्य की बुद्धि कैसे होगी? ठीक है ना भाई? अच्छा टीका लगे ननो तुष्णी भावे शून्यत्वम, शून्यमेव है ना। जो भाई मन स्तब्ध हो गया मतलब क्या हो गया? शून्य हो गया, कुछ भी नहीं है ना। ये बोलते इतरस्य कस्यापि प्रतीति भावा, भाई सब कुछ शून्य है, इससे अतिरिक्त तो किसी के प्रतीति नहीं होती है कि नहीं? हाँ, जो प्रतीति हो रही थी घट है पट है मठ है, यही तो प्रतीति हो रही थी विषय की। और मन शब्द हो गया तो क्या? कुछ भी नहीं, बस ये शंका करते हैं है ना। बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है। शून्यस्यापि शून्य प्रतीति अभावात है, बोलते हैं शून्य को शून्य की प्रतीति नहीं हो सकती है। ये शून्य अपि ना संभव होती, ये सब कुछ शून्य हो ये आप नहीं कह सकते। धर्म है कि नहीं? किसी प्रकार की वृत्ति नहीं है। हाँ, वृत्ति की शून्यता हुई, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसको अनुभव करने वाला शून्य हो ये बात नहीं बन सकती। साक्षी यदि न हो ना तो साक्ष्य की सिद्धि नहीं होती। साक्षी के बिना साक्ष्य की सिद्धि नहीं होती। साक्ष्य कौन हो गया? शून्य, वृत्ति का अभाव है कि नहीं? अब उसका साक्षी कौन? आत्मा। आत्मा से साक्षी ना हो तो उससे प्रकाशित होने वाला जो शून्य है, वृत्ति का अभाव है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, ठीक है ना रे? ये कहा जा रहा है। इसलिए अनुभव करने वाला जो आत्मा साक्षी है वही सत्रुप है, वही सत्रुप है, ठीक है भाई? इसलिए घटपटादि के बिना भी सत अंश का भान क्या? घटपटादि के विषय के बिना भी, मन के बिना भी, वृत्ति के बिना भी है ना, सत अंश का भान हो सकता है? नहीं हो सकता है, हो सकता है, ये वेदांती का कहना है, ठीक है ना रे? यही तो विचार है, मनन यही है। सबका बात कर देने पर भी, घटपटादि का बात कर देने पर भी केवल अस्थि का भान, केवल अस्थि का भान हो सकता है, सुनते हैं ना? असंभव लगता है ना आपको? अरे व्यवहार के समय केवल अस्थि का भान कैसे हो? तो बात कर देंगे तो हो जाएगा, बात कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे कई बार दृष्टांत नहीं दिया, चीनी से बनी हुई मूर्ति, चीनी से बनी हुई मूर्ति, मूर्ति का जो नाम रूप है, गणेश का नाम, गणेश का रूप, पेट बड़ा है, ये नाम हो गया, एक रूप हो गया, सबका बात हो जाएगा। किसके ज्ञान से? एक चीनी के ज्ञान से बात हो जाएगा। नाम भले ही बोलता हो बेचने वाला हलवाई, अगर गणेश की मूर्ति दे दो, हाँ ठीक है ले लो, आगा जो है उसके चूहे की मूर्ति दे दो, वो ले लो। कितने हुआ? अरे ये भी जो 100 रुपये का हुआ, ये भी 100 रुपये का हुआ। बालक ने पूछा ये कैसे हो सकता है?
वो तो गणित भगवान है, अभी तो उसका बाण दोनों की कीमत कैसे एक हो जाएगी। उसने कहा कि चाहे गणेश ले लो चाहे चूहा ले लो, है तो समान है दोनों। कैसे? पर ये भी चीनी से बनी है, ये भी क्या, ये भी चीनी से बनी है, ये भी आधे किलो की है, वो भी क्या आधे किलो की है। बस उनको बाध है कि नहीं, किसको? बेचने वाले को बाध ज्ञान है। क्या है? बालक को नहीं है, बालक को सत्य समझ रहा है। भेद है उनको, उनको भी भेद है बेचने वाले को, लेकिन उनको बाध ज्ञान। एक चीनी है अद्वैत, चीनी के ज्ञान से नाम रूप का बाध कर लेता है उनके लिए। चीनी चीनी ही है उनको दिखाई देती है, चीनी में अद्वैत है और नाम रूप में भाषण में इसको बोलते हैं बाध। एक चीनी अद्वैत के ज्ञान से नाम रूप का बात करके सारा का सारा व्यवहार करता है। इसी प्रकार व्यवहार में भी आप कर सकते हो, घटो अस्थि पटो अस्थि मोटो अस्थि में जो होता है ना, अस्थि अस्थि अंश यही सत्य है, और घट पटादि जो नाम रूप है ये मूर्ति की तरह है। क्या है? इस प्रकार व्यवहार करके देखो, व्यवहार करके अभ्यास करके देखो तो पता लगेगा अरे ये कैसे हो सकता है। इस प्रकार आक्षेप करने से कल्याण नहीं होता है, ये कैसे हो, असंभव है। हाँ ऐसा बोलते जाएंगे पूरा जीवन चला जाएगा, कभी कुछ कल्याण नहीं होता। कैसे ज्ञान होगा, कैसे अज्ञान की निवृत्ति होगी, ये उपाय ढूंढना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, इस पर अगर आक्षेप करेंगे तो कभी कल्याण नहीं होता है ना। चलो 45 नंबर है, ननु तरही 45 सद्बुद्धि अभावा सत्यम अपि न घटते थे संपत्ति। बोलते हैं सद्बुद्धि कैसे होगी बोलते हैं, सद्बुद्धि न होने से सद ब्रह्म है उसको विषय करने वाली बुद्धि न होने से सत्यम अपि न घटते। ये सत कह रहे हो वो भी सिद्ध नहीं होगा, क्यों समझे ना। जैसे देखो ये पुस्तक है तो पुस्तक की सिद्धि हो रही कि नहीं, कब? पुस्तक का ज्ञान हो तो पुस्तक की सिद्धि हो। पुस्तक का ज्ञान आपको ना हो तो पुस्तक की सिद्धि हो जाएगी? पुस्तक है कैसे कहोगे? पुस्तक है, पुस्तक की सिद्धि कब होती है? ज्ञान से होती है। तो पुस्तक की बुद्धि मतलब पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान हो तो पुस्तक की सिद्धि हो, बराबर है। इसी प्रकार जो सद ब्रह्म कहते हो आप, सद ब्रह्म की सिद्धि कैसे होगी? सद ब्रह्म को ये बुद्धि हो, सद ब्रह्म का ज्ञान, सत ब्रह्म का ज्ञान हो तो सत ब्रह्म की सिद्धि होगी। ज्ञान के बिना तो सिद्धि होगी नहीं। जैसे घट, घट की सिद्धि जैसे घट ज्ञान से होती है, इस प्रकार सत की सिद्धि किसे होगी? सत ज्ञान से होगी, सत बुद्धि से होगी, ये शंका। ठीक है, अच्छा कहने का अभिप्राय क्या है? तो सत बुद्धि होगी तो द्वैत हुआ कि अद्वैत हुआ? अब हैं द्वैत हो गया ना, द्वैत हो जाएगा। ये दोनों ओर से फांसी है, इधर से भी फांसी है उधर से। बुद्धि नहीं मानोगे तो सिद्धि नहीं होगी, और बुद्धि को मान लिया तो सद एक वस्तु हो गई और उसको जो है उसकी जो बुद्धि है ज्ञान वो दूसरी वस्तु हो गई, है ना। ये उभय पाशा रज्जु है कि नहीं, इधर से ही बंधन है उधर से ही बंधन है। घर में रहोगे तब भी दिक्कत, घर छोड़ोगे तब भी दिक्कत। महात्मा लोग बोलते थे घर में रहोगे बहुत काम करना पड़ रहा है, आश्रम में जाएगा वहाँ पे और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। दोनों से एक ही नहीं भैया, इसलिए क्या करें बोलते लोग इसी प्रकार से। ठीक है, ननोत्तर ही सद्बुद्धि अभाव, सद्बुद्धि न होने से सप्तम, सप्त जो है ब्रह्म, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, न घटते, संभव नहीं है, है कि नहीं। इसका मतलब शून्य है मानना पड़ेगा। सद्ब्रह्म को मानते क्यों है ना, मानो क्यों, शून्यवादी बोलेगा। इति संकते, इस अभिप्राय से शंका भी करते हैं श्लोक में और इसका उत्तर भी दिया जाता है। देखो भाई
सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्तस्य स्वप्रभक्ततः मास्तस्य स्वप्रभक्ततः ये मनस्तत्व साक्षित्वात् ये मनस्तत्व साक्षित्वात् सन्मात्रं सुगमं दृणा सन्मात्रं सुगमं दृणा अच्छा देखो जो प्रथम पाद है श्लोक में, प्रथम पाद है शंका, शंका है ठीक है ना, आक्षेप है, आक्षेप करते हैं सुनने वाले जो सब प्रस्तुत को नहीं मानते हैं, सब कुछ असत बोलते हैं ना, सब कुछ सुनते हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत उनका है, उनका सिद्धांत बहुत विलक्षण सिद्धांत है ना, इसलिए सावधान होकर पढ़ना चाहिए। सावधानी ना हो तो हाँ सावधानी अभी तो ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी जो दुराग्रह इसलिए हो जाता है, वो संस्कार आ जाता है ना। उस ग्रंथों को हम लोग पढ़ते थे, अब पढ़ोगे तो लगता है कि अरे यही सिद्धांत ठीक है, सुनने बाद सिद्धांत ही ठीक है ना, ऐसे कभी कभी भ्रांति हो सकती है किसी को, सबको नहीं, हम लोग जानते हैं भाई क्या कहना चाहते हैं लोग, इसलिए हम लोग पढ़ते थे कि सुनने बाद ही लोग कहना क्या चाहते हैं, है ना, इस दृष्टि से पढ़ते थे। तो सद्बुद्धिर अपि नास्ति चेत्, सद्बुद्धि भी नहीं है, सद्बुद्धि भी नहीं हो सकती है, सद्बुद्धि नहीं होगी तो कहना क्या चाहता है, सद्ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है, सद्ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती, ये कहना है, ये हो गया आक्षेप, है ना भाई। इसका उत्तर दिया जा रहा है, अरे बुद्धि होने की क्या आवश्यकता है ना, सद्बुद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तब तो सिद्ध कैसे होगा, अरे वो तो स्वतः सिद्ध है, घट जड़ होने से क्या है, घट जड़ होने से अभ्यस्त होने से उसकी सिद्धि ज्ञान से होती है, किसी किसकी सिद्धि, घट पटादी अनात्म ले असत वस्तु मिथ्या वस्तु जड़ वस्तु, जड़ वस्तु की सिद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, समझा, ज्ञान, लेकिन ये सद वस्तु है वो जड़ है कि चेतन है, मैं होकर के जो भान हो रहा है अस्थि का भान है वो जड़ है कि चेतन है, अनुभव लाओ, मैं होकर के भान हो रहा है ना, तो है वो जड़ है, तो आप जो सतरूप है आप जो जड़ हो के चेतन हो क्या, चेतन है ना है कि नहीं, लेकिन जड़ वस्तु होती है उसको प्रकाश, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, दृष्टांत देते हैं जैसे हैं, तो दीपक के प्रकाश से घट की सिद्धि होती है, दीपक का प्रकाश का संबंध हो तो घट का भान होता है, और दीपक का प्रकाश के लिए कौन सा प्रकाश चाहिए, कोई दीपक प्रकाश चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश स्वरूप है, दृष्टांत ठीक है। इसी प्रकार जो सारा संसार अयम घट अयम पट अयम मठ, इसकी सिद्धि घटपटादि का भान हो तो तब हो, लेकिन जिससे घटपटादि सिद्ध होते हैं उसकी सिद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका स्वरूप चेतन है, क्या है उसका स्वरूप, चेतन, ठीक है, इसलिए बोलते हैं आप जो चेतन होता है वो समप्रकाश होता है, ध्यान में रखो, घट घट के अस्तित्व की सिद्धि, मतलब घट की सिद्धि घट ज्ञान से होती है, और घटो नास्ति जो कहोगे घट नहीं है उसकी भी सिद्धि ज्ञान से होती है, ज्ञान हो तो घट है बोलोगे, और ज्ञान नहीं है ये ज्ञान हो तब तब भी कहोगे घट नहीं है, चाहे घट हो चाहे घट ना हो दोनों की सिद्धि, घट की भी सिद्धि घट ज्ञान से, और घटाभाव की सिद्धि भी किसे होगी, ज्ञान से ही होती, जिसको ज्ञान है ही नहीं, अरे यहाँ पर घड़ा नहीं कैसे कहोगे, जिसको घट का पहले ज्ञान हो इसको बोलते हैं अज्ञात घट, क्या बोलते हैं अज्ञात घट, अज्ञात घट का यदि भान ना हो तो घटो नास्ते नहीं बोल सकते, आगे समझ में,
लेकिन जिस ज्ञान से घट और घटावाप सिद्ध होते हैं वो किस ज्ञान से सिद्ध होगा? द्वितीय ज्ञान से कहोगे, क्या कहेंगे? द्वितीय ज्ञान से, ज्ञान से घट और घटाभाव सिद्ध हुआ है, तो जिस ज्ञान से घट घटाभाव सिद्ध हुआ वो ज्ञान और किसी ज्ञान से सिद्ध होगा यदि कहोगे तो फिर शंका उठेगी, तो द्वितीय ज्ञान किस ज्ञान से सिद्ध होगा? हाँ, तो क्या होगा? अनवस्था, इसको क्या मानते हैं? अनवस्था। इसलिए अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिस ज्ञान से घट घटाभाव सिद्ध होता है वो स्वतः सिद्ध है, वो चित्रूप स्वतः सिद्ध है, चित्रूप स्वतः सिद्ध होता है। इसलिए बोलते हैं मास्तु अस्य स्वभक्ततः, सत को विषय करने वाले बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। फिर कैसे सिद्ध होगा? अरे वो स्वयं प्रकाश है, वो चेतन स्वभक्ततः प्रकाश है ना। अच्छा, तो अनुभव का बता रहे हैं भाई, ऐसा अनुभव कैसे होता है? देखो बोलते हैं निर्मनस्कत्व साक्षित्व, देखो जिससे मन निर्मनस्क हो जाता है, मन में कोई वृत्ति नहीं होती है ना, इसको वो लोग कहते हैं बौद्ध लोग, ये बौद्ध सिद्धांत है, ऐसा बोलते हैं उसको, कोवान कोवान बोलते हैं, कोवान क्या बोलते हैं उसको, शून्य को अनुभव करने के लिए कोवान, ऐसा प्रश्न वगैरह वो लोग खड़ा करते हैं, ऐसा गणित वगैरह ऐसा पूछते हैं, इसका उत्तर बताओ, और उसका कोई उत्तर नहीं होता। ऐसा कुछ होता है बौद्ध सिद्धांत में, शून्यवाद में, उसको कोवान बोलते, कोवान। ऐसा कुछ प्रश्न वगैरह पूछेंगे तो सोचता रहेगा, उसका मन ही काम नहीं करेगा, मन स्तब्ध हो जाएगा, बस स्तब्ध हो जाएगा तो कुछ भी भान नहीं होगा, जो भान नहीं होगा ना यही सुनने वाले थे, यही तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा बोलते हैं क्या यही है ना, सुनने को सिद्ध करने के लिए ऐसा यही कहा जाता है, जिससे मन स्तब्ध हो जाता है। अरे मन स्तब्ध हो गया तो स्तब्ध मन को कौन जाना, तो वो भी सुनने हैं क्या? वो तो सदरूप है, ये विचार वो लोग नहीं कर पाते है ना। तो निर्मनस्कत्व साक्षित्व, मन जब निर्मनस्क हो गया अर्थात मन स्तब्ध हो गया, मन में कोई वृत्ति नहीं है, उसका कोई साक्षी है कि नहीं? अरे मेरा मन तो स्तब्ध हो गया, कुछ नहीं जान पा रहा, उससे कुछ निकल बोलते हो ना, लेकिन मन में जब वृत्ति उठेगी बाद में तब क्या स्मरण होता है, भाई मेरा मन तो स्तब्ध हो गया, कुछ नहीं जान, अब स्मरण हो रहा है कि नहीं? तो स्मरण करने वाला कौन था? जो जिसको पहले अनुभव हुआ है, किसका? निर्मनस्क का है ना, मन के तुष्णी भाव पर स्तब्धि भाव, उसका नाम तो साक्षी, वही तम पद का लक्षार है, वही मेरा स्वरूप है, ठीक है, ये बोलते हैं वही सतमात्र है, उसी को सत्कार, वही तत्पद का लक्षार, वही तत्पद का लक्षार्थ है, वही तम पद का सन्मात्रम, ये सतमात्र है, सत स्वरूप ही हो, इसलिए सुगम, जो सुगम है जानना सरल है, यही अनुभव, इसको होता है ज्ञान, विचार करने वाले को ये क्या निश्चित है, सीता तो इसलिए तस्य स्वप्रकाशत्व, वो स्वस्वरूप जो ब्रह्म है वो तो स्वयं प्रकाश है, देखो स्वयं प्रकाश क्यों है, पहले विचार आया वो सब ब्रह्म जो आत्मा है स्वयं प्रकाश क्यों है, चेतन स्वरूप होने के, लेकिन जड़ यदि होता तो है आत्मा ही जड़ हो जाएगा, फिर जड़ता का कौन जानेगा, आत्मा ही जड़ हो जाएगा तो जड़ता को कौन जानेगा, जड़ता को जानने वाला भी जड़ होगा क्या, इसलिए तो अनुभव से ही बैठता नहीं कि आत्मा जड़ है, तार्किक लोग आत्मा को जड़ मानते हैं, मन का संबंध हो जाएगा तो आत्मा चेतन हो जाएगा, आज इसे मन का संबंध नहीं है तो जड़ यदि हो जाएगा है तो अनुभव कैसे हो जाएगा, सुषुप्ति में मन का संबंध नहीं है, सुषुप्ति में
मन का संबंध नहीं है तो आत्मा ये जड़ हो जाएगा, तो जानेगा कैसे? तो नहीं जानेगा, उड़ने के बाद स्मरण कैसे होगा कि तो मैंने कुछ नहीं जाना? जो अनुभव में भी बैठता नहीं है, और मुक्त अवस्था में है तो मन का कोई संबंध नहीं होगा आत्मा के साथ। मुक्त पुरुष में मन का कोई संबंध नहीं होगा, ऐसा मानते हैं। तो मन का यदि संबंध नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाओगे आप? जड़ हो जाओगे, ठीक है। आप जड़ हो जाओगे तो मुक्तता का अनुभव कौन करेगा? मुक्तता का अनुभव करने वाला भी जड़ होगा क्या? इसलिए उनका सिद्धांत बुद्धि में बैठता नहीं, चस्ता। और दूसरी बात है, कोई साधना में लगा है और उससे पूछो तो क्यों साधना कर रहे हो? हम मुक्त हो जाएं, उनको परमानंद की अनुभूति हो। क्या है? परमानंद की अनुभूति हो, ये कौन नहीं चाहते बताओ? हर व्यक्ति तो भले ही व्यवहार में नहीं बोलता हूँ, लेकिन अंदर तो सबको अनुभूति है कि परमानंद की अनुभूति हमको सबको मिले, ये मेरा लक्ष्य है, पता ही नहीं। इसलिए बैठता नहीं हमको सीधा, किसका? दैवबंधा सीधा। ये मुक्त अवस्था में आत्मा जड़ हो जाएगा, मैं आगे जड़ हो जाऊँ इसलिए भगवान की उपासना कर रहा हूँ, इसलिए तर्क पढ़ रहा हूँ, ऐसा बैठता है क्या बुद्धि में? ये सीधा नहीं बैठता है इसलिए। चलो, तस्या स्वप्रकाशत्व न तद्बुद्धि अभावो अनिष्ट इति परिहरति। इसलिए वो ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से उसके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, समझे ना? तद्बुद्धि अभाव, सत की बुद्धि मतलब सत का ज्ञान, सत को विषय करने वाला ज्ञान नहीं होगा तो सब ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। ये तो हमारे लिए अनिष्ट नहीं, ये हमारे लिए क्या है? तद्बुद्धि अभाव ना अनिष्टा, मतलब अनिष्टा नहीं है, इष्ट है। मतलब क्या तत्पर्य हुआ? सत को विषय करने वाली बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है ना? सत को विषय करने वाली बुद्धि ना भी हो तब भी सब ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगी, उनकी संस्कृता जड़ होता तो नहीं, तो चेतन है सर, इसलिए बोल दिया, ठीक है भाई। स्वगोचर बुद्धि अभावे कथम सद्वस्तु अवगतम संकते। स्व मतलब ब्रह्म, सद्ब्रह्म, सद्ब्रह्म को विषय करने वाली बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान ज्ञान न होने पर, ज्ञान का वृत्ति, सद्ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति न होने से कथम सद्वस्तु अवगत शक्यते। सद्ब्रह्म है करके कैसे जानोगे? तो बोलते निर्मनस्कत्व साक्षित्व, मन जिस समय निर्मनस्क हो जाता है, समस्त वृत्ति से शून्य हो जाता है, उसको जानने वाला कोई है कि नहीं? तो उसको जानने वाला जो आत्मा है, किसे जान रहे हो? मन जो निस्तब्ध हो गया, शब्द हो गया है ना, तो शब्द मन को जानने वाला किसे जान रहे हो? मन में तो कोई व्यापार नहीं है, इंद्रिय में नहीं है, अंतकरण काम नहीं, अंतकरण तो काम नहीं कर रहा उसमें। आप जान रहे हो, आप किससे जान रहे हो? यही तो विचार है ना भाई, स्वरूप से जान रहे हो, आपका स्वरूप ही चेतन है, आपका स्वरूप ही चेतन है, इसलिए आप जान रहे हो, जान रहे हैं ये होता है, ठीक है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।